लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? राखी अच्छी मनी कि नहीं मनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। अभी 250, 10 सितंबर को 1000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो तब मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1000 से बढ़ा के 1250 कर दूंगा। अब ये भी 1250 हो जाएंगे, 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे, और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को भाई। लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? तो राखी अच्छी मनी कि नहीं मनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। अभी 250, 10 सितंबर को 1000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो तब मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1000 से बढ़ा के 1250 कर दूंगा। अब ये भी 1250 हो जाएंगे, 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे, और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को भाई। लेकिन आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो, तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है
कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए, और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए, और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए, 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत। लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1,000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? तो राखी अच्छी मनी कि नहीं मनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। अभी 250, 10 सितंबर को 1,000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1,000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो तब मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1,000 से बढ़ा के 1,250 कर दूंगा। अब ये भी 1,250 हो जाएंगे 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1,250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1,250 रुपया महीना दिए जाएंगे, और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1,250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया। फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000 रुपया। फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250 रुपया। 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500 रुपया। 2,500 से बढ़ा के करूंगा 2,750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3,000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया